भगवान मेरा मनोकामना पूरा करेंगे तो हम हमेशा आएंगे भगवान के पास। मेरा मनोकामना है कि मेरा हम एग्जाम में पास हो जाए। हम लोग पटना से आए हुए हैं। हाँ, पिछले बार भी आए थे तो हम अकेले आए थे, लेकिन इस बार बच्चे लोगों को साथ लेके आए हैं कि चलो तुम लोग को भी जल ढरवा देते हैं। बहुत अच्छा लगा था, हम इन लोग को भी साथ में लेके आए हैं। नहीं, मैंने इसको शौक था कि हम भी जाए। हम कहा कि चलो अगला सोमवार को लेके जाएंगे तो वही लेके आए हैं जल ढरवाने हैं। मानता होता है शिव जी से, दुआ मांगता है अपना बच्चे के लिए, अपना पति के लिए, उनको चरणों में सिर झुका के प्रणाम किया जाता है। दो साल से महिलाएं घर पे बैठी हुई थी ना, इतने दिन बाद मंदिर खुला है इसलिए आई है। अच्छा, आज का दिन पूजा करने से क्या होता है? क्या होता है, लड़कियां करती, कुमारी लड़कियां शादी अच्छे पति के लिए करती हैं, शादी शुदा लड़कियां वृद्धि के लिए करती हैं अपने पति के। जल चढ़ाते हैं, दूध दही मक्खन घी यही सब मीठा। हाँ, क्योंकि शिव जी को प्रिय है इसलिए। आज दूसरा सोमवारी है, आज प्रदोष व्रत भी है। ये शिव का विशेष पर्व है, प्रदोष में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। खास करके स्त्रियाँ ये इस प्रदोष व्रत में ज़्यादा अभी रुचि रखती हैं, उनकी ज़्यादा आस्था है। प्रदोष व्रत के वजह से भी आज भीड़ थोड़ा बढ़ गया है, भीड़ भी काफ़ी है। और मंदिर लगभग 2 बजे खुला था, 2-2.5 बजे, 1-1.5 घंटा मंदिर का जो सरकारी पूजा है उसमें समय लगा। उसके बाद लगभग 3-3.5 बजे मंदिर को आम जनता के पूजा पाठ के लिए खोल दिया गया। तब से श्रद्धालु लोग लगभग 3 बजे से यहाँ जल, भीड़ तो 40-50 हज़ार तो कम से कम होना ही चाहिए, चूँकि भीड़ तो एक लंबे दायरा में फैला हुआ है, गंगा जी से यहाँ तक रोड पर से सब भीड़ जो है सो चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए देखने में भले कम लगे भीड़ तो काफ़ी है। मंदिर प्रशासन की ओर से पूरा यहाँ व्यवस्था है, और प्रशासन की ओर से लाइन से भी फोर्स आया है। फोर्स आपका 19 पुरुष है और 5 महिला है, और आपका हर जगह जो है से बैनर भी लगा हुआ है मंदिर प्रशासन की ओर से जो है, और वॉलंटियर भी है मंदिर कमेटी के तरफ से, वॉलंटियर भी है, लोकल थाना भी है, थाना का करीब करीब फोर्स यहाँ मौजूद है। वॉलंटियर जो है से गांव का ही है, मंदिर कमेटी की ओर से जो है सबसे आधार कार्ड फोटो मोबाइल नंबर लिया गया है, और कल सब वॉलंटियर के बुला के थाना के भी लोग थे उसको प्रशिक्षण भी दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा भी हर जगह आपका लगा हुआ है, वो तो परमानेंट लगा हुआ है। पहला सोमारी में भी आपको 50,000 भीड़ था, इस बार लगता है कि 65-70 हज़ार का भीड़ जो है 2 बजे पट खुला है, और आपका तीसरा और चौथा सोमारी में 1 लाख से ऊपर भीड़ जाएगा। फिर उसको कैसे संभालने का, क्योंकि ये बहुत लाइन से काफी कम मात्रा में पहुंचेगा। नहीं, इस बार डिमांड किया जाएगा कि करीब 75-80 के संख्या में फोर्स रहे, नहीं तो संभाल नहीं पाएगा। हम बड़ा बाबू से फिर बात करेंगे। कारण है कि 2 साल से कोरोना के कारण मंदिर बंद रहा है। अभी तक तो कोई सूचना है नहीं, कल संडे के ही VIP लोग आते हैं, कल कई गो जज लोग भी आए थे पूजा करने के लिए। सोमारी में लोग बहुत हाँ, हर साल तो जब भी कोरोना का पहले जो भी यह हुआ है तो मंत्री लोग भी आए हैं, विकास आयुक्त भी आए हैं, शिवरात्रि में भी विकास आयुक्त आए हैं, मंत्री जी भी आए थे, इस नहीं मुख्यमंत्री पहले आए थे तो अनेकों बार यहाँ आए हैं मंदिर पर,
मुख्यमंत्री जी का इस मंदिर से पुराना लगाव रहा है।